अब क्या किया पाकिस्तान ने, क्या गौरव चोपड़ा देंगे सरप्राइज? करण देओल को क्यों कास्ट नहीं कर पाए सनी देओल? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। जब से गदर 2 फिल्म की कास्टिंग को लेकर बातें शुरू हुई थी तो सनी देओल के मन में एक नाम था जिसे वो कास्ट करना चाहते थे और वो नाम था उनके बेटे करण देओल का। सनी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर गदर 2 फिल्म की कहानी गदर फिल्म से रिलेटेड नहीं होती तो सनी पूरी कोशिश करते करण को गदर 2 फिल्म में कास्ट करने की, लेकिन गदर 2 की कहानी गदर को कंटिन्यू कर रही है, इसीलिए उन्होंने उत्कर्ष शर्मा को ही कास्ट किया है जिन्होंने गदर फिल्म में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया था। गदर फिल्म के वक्त पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा कुछ किया था पाकिस्तान में कि वहां रह रहे इंडियंस को गदर फिल्म देखने को नहीं मिली थी और अब भी पाकिस्तान यही कर रहा है जब गदर 2 आने वाली है। गदर 2 का पोस्टर जैसे ही आउट हुआ तो पाकिस्तान वाले समझ गए थे कि इस बार भी इंडिया के फिल्म मेकर फिर से पाकिस्तान को अपनी फिल्म के जरिए नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान में गदर 2 को बॉयकॉट कर दिया है। लेकिन उन्हें कौन बताए कि गदर फिल्म या गदर 2 फिल्म किसी कल्पना पर नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। और रही बात नीचा दिखाने की, तो भारत के किसी भी फिल्म मेकर ने आज तक किसी भी फिल्म के जरिए पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखाया है। अपने छोटे मोटे एक्टिंग रोल से एक्टर गौरव चोपड़ा ने हमेशा के लिए ऑडियंस के दिलो दिमाग में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। गौरव हमेशा से चाहते थे कि उन्हें एक ऐसी फिल्म मिले जो उनके करियर को और आगे तक ले जाए और शायद अब भगवान ने उनकी दुआ कबूल कर ली है उन्हें गदर 2 जैसी फिल्म में काम करने का मौका दे करके। अभी हाल ही में हुए एक अवार्ड शो में जब रिपोर्टर्स ने गौरव से ये जानना चाहा कि गदर 2 में उनका क्या रोल है, तो गौरव ने समझदारी दिखाते हुए ये जवाब दिया था कि वो फिलहाल गदर 2 में काम करके बहुत खुश है और उनका जो सपना था इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का वो पूरा हो गया। रही बात उनके रोल की, तो उन्होंने ये कहा था कि वो ऑडियंस के लिए सरप्राइज है और अगर उन्हें ये सरप्राइज जानना है तो उन्हें 11 अगस्त को थिएटर में जाकर गदर 2 फिल्म देखनी होगी। तो आपको गदर 2 का कितना इंतजार है, हमें फटाफट से बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी।